नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कहीं बारिश का कहर तो कहीं नदियों में बाढ़, लेकिन झांसी के एरच में पीने के पानी के लिए हाहाकार। झांसी जिले सहित पूरे बुंदेलखंड में लगातार हो रही बारिश से भले ही बुंदेलखंड में पानी ही पानी नजर आ रहा हो, लेकिन झांसी का एरच कस्बा ऐसा है जहां आज भी स्थानीय लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। झांसी जिले के एरच नगर में कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां लोगों के घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा और नगर के लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और कई जगहों पर लाखों लीटर पानी प्रतिदिन नालियों में बर्बाद होता है। एक और बारिश का कहर और नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पानी पानी होने के बाद भी एरच के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी लिखित शिकायत भाजपा जिला मंत्री अमित चौरसिया द्वारा जलकल विभाग के अधिकारियों से की गई थी, जिस पर जलकल विभाग के जेई ओम प्रकाश पटेल द्वारा नगर में जाकर निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि नगर में पानी सप्लाई के समय कई लोगों के घरों में नलों की टोटियां खुली रहती हैं, जिससे काफी पानी बर्बाद होता है और कई लोग अपने घरों में टिंडू मशीन चलाते हैं, जिससे और लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए पूरे नगर में सूचना कराई जाएगी और ऐसे लोगों के पास विभाग द्वारा नोटिस भी पहुंचाया जाएगा। और अगर लोग फिर भी लापरवाही करते हैं और पानी की बर्बादी करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे नगर की पेयजल व्यवस्था में काफी हद तक परिवर्तन आएगा। एरच से बाल मुकुंद राय कवार की रिपोर्ट। अमित जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे जी, जल संस्थान की क्या बात हुई आपकी जी हिसाब से? समस्याएं ये है कि जब सप्लाई खुलती है तो सड़कों पे यहाँ देखने को मिलता है कि जितना पानी लोगों के घरों में नहीं पहुँचता है, उतने से ज़्यादा पानी रोड पर, सड़क पर, नालियों में बहते दिखाई देता है। तो इस समस्या को लेकर के हमने जेई साहब से बात की है कि कई मोहल्ले ऐसे हैं कि जिनमें पीने का पानी भी नहीं पहुंच पाता है। जो लोग आज कनेक्शन करा रहे हैं और दूसरे दिन ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। तो ये सारी समस्याओं को गंभीर रूप से देखें, ऐसा हमने विभाग को पत्र भी लिखा था और आज जो जेई साहब आए हैं उनको भी इस समस्या से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नगर में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और जिनके नलों में टोंटी नहीं है उनसे टोंटी लगाने का आग्रह करेंगे। इसके बाद यदि कोई नहीं मानता है और इस पानी को, पेयजल को बर्बाद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसी उन्होंने बातचीत करी है। सर, ये क्या समस्या है जल संस्थान की? ये पानी की बड़ी समस्या है नगर में, क्या है नगर में जो समस्याएं बन रही है? यहाँ पर नगर में लोगों किसी के घरों में टोटियाँ नहीं लगाए हैं और दूसरी चीज़ नगर में यहाँ पर हर घर में टुल्लू लगने लगे हैं, जिससे आगे पानी सप्लाई जल नहीं पहुँच पा रही है। बाकी अब इसको हम कल अनाउंसमेंट करा देंगे, कल परसों में, बाकी शनिवार या रविवार में हम घर घर जाके लोगों से टोटियों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर इसके बाद ये नहीं मानते हैं तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उससे समस्या काफ़ी समाधान होगा? जी हाँ, उम्मीद यही है कि उससे हम लगभग 90% समस्याओं का हल कर सकते हैं।